हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। लास्ट दो वीडियो में हमने फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर बात की और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ये तीनों ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड है। अगर आप 12th के बाद डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी आप इस वीडियो के लास्ट में देख लेना। वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट अभी आप ग्राफिक डिजाइनर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। ग्राफिक डिजाइनर बनने के बाद एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, इस फील्ड में आप पूरे इंजॉय के साथ जॉब करोगे। हाँ, यहाँ आपको डेली कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। उस दौरान हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, बट वो काम को लेकर होगा, जॉब को नहीं। मतलब काम भारी है, मेरे से नहीं होगा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, जॉब अच्छी नहीं है, काम खतरे वाला है, या नौकरी सिक्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको काम करने में मजा आएगा क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग टेस्ट और ग्राफिक की मदद से मैसेज बनाने की आर्ट है। इसमें ग्राफिक डिजाइनर कलर, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, फोटोग्राफी और अलग अलग लेआउट के जरिए डिजाइन तैयार करता है। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, सोशल मीडिया पर हम बहुत सारे इमोजीज का यूज करते हैं। इन इमोजीज को ग्राफिक और इमोशन के जरिए डिजाइन करने का काम ग्राफिक डिजाइनर का होता है। इनके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां या ब्रांड के लोगो डिजाइन करना ताकि उस इंडस्ट्री या उसके बिजनेस को एक अलग पहचान मिल सके। न्यूज़पेपर या पोस्टर डिजाइन करना, सोशल मीडिया पेज डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन करना, ये सारे काम ग्राफिक डिजाइनर के होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, आपको ग्राफिक डिजाइनर ही क्यों बनना चाहिए। तो इसका सबसे पहला रीजन है मार्केट में बढ़ते ग्राफिक की डिमांड। पिछले कुछ सालों में ग्राफिक डिजाइनिंग 6% की ग्रोथ के साथ बढ़ी है और 2032 तक ग्राफिक डिजाइनिंग का ग्लोबल मार्केट 5.2% की ग्रोथ के साथ $83.8 बिलियन का हो जाएगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 2030 तक ये मार्केट 3% की ग्रोथ के साथ एक्सपेंड करने वाला है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्यूचर तो ब्राइट है। इस लाइन में करियर बनाने के बाद किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजुअल ब्रांड तैयार कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कंप्यूटर गेम या पोस्टर डेवलप कंपनी में जॉब पा सकते हैं, बुक पब्लिकेशन हाउस में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, एडवर्टाइजिंग या न्यूज इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, प्रोडक्ट पैकिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। ग्राफिक डिजाइनर बनने का सेकंड रीजन है, आप कभी भी अपनी जॉब से बोर नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने को मिलेगा। इस लाइन में करियर बनाने का थर्ड बेनिफिट है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के दम पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोलकर घर बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट के साथ नेटवर्क बनाकर प्रोजेक्ट पा सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसे आप जॉब के साथ पार्ट टाइम करिए या फुल टाइम, ओवरऑल ये आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देगा। अब हम बात करते हैं आप ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, ग्राफिक डिजाइनर बनने की प्रोसेस एकदम आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट करिए। उसके बाद NATA नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, CAA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डिजाइन, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस टेस्ट, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड NIFT जैसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज मेरिट बेस के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, तो मेरिट बेस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कलर कॉम्बिनेशन, लाइन शेप, स्पेस, टेक्सचर, टाइपोग्राफी की बारीकियों को सिखाया जाएगा। इन्हीं के साथ कुछ सॉफ्टवेयर जैसे एडोब क्रिएटिव, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन में आपको महारत हासिल करने का मौका मिलेगा। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आपको लाइफ टाइम काम करना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री से 6 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं या कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लेकर सीधे जॉब पा सकते हैं। एडमिशन लेने की प्रोसेस तो आसान है, बट कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जैसे कोई आपको यूडेमी पर मिलेगा, कोई एलिजन पर मिलेगा, तो कोई स्किल सेट पर मिलेगा। आप देख लेना, प्लेटफॉर्म के नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कॉलेज से डिग्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री सभी की सुविधा अवेलेबल है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में आप सर्टिफिकेट इन वेब एंड ग्राफिक डिजाइन, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक एंड वेब डिजाइन, सर्टिफिकेट इन आर्ट एंड डिजाइन, सर्टिफिकेट इन 3D एनिमेशन, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइन जैसे कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल के और डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के होते हैं। अगर बात करें फीस की तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की टोटल फीस 5,000 से 80,000 तक होती है। फीस कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। वहीं ग्रेजुएशन कोर्स 3 से 4 साल के होते हैं जिनकी फीस 50,000 से 2 लाख ईयरली होती है। ग्रेजुएशन में आप BFA, VDES, BSc, BA इन ग्राफिक डिजाइनिंग या डाटा विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं। इनमें BFA एंड VDES 4 साल के और BA एंड BSc 3 साल के होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इसी लाइन में हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो MA, MFA, MDES इन ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड 2 साल का होता है। अगर ओवरऑल फीस की बात करें तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने में 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ, ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे मास्टर डिग्री कर सकते हैं, परंतु सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बाद आप सीधे मास्टर डिग्री नहीं कर सकते।
पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी तभी आप मास्टर डिग्री कर पाओगे। इसलिए 12th के बाद जब आप इन कोर्सों में एडमिशन लो तो एक बार जरूर सोचना आपको आगे किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोजीशन और सैलरी आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर बात करें पोजीशन की तो इस कोर्स को करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, वेब डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, एड डिजाइनर, पब्लिकेशन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर जैसे जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं। इन पोजीशन के लिए एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से 40,000 मंथली होती है। इंडिया में ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर 75% लोगों की सैलरी 30,000, 50% लोगों की सैलरी 22,000 और 25% लोगों की सैलरी 15,000 है। अब यहाँ से आपको सैलरी और पोजीशन का क्लियर हो चुका होगा। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं हम उन कॉलेजों की जहाँ से आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटिव कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है नेशनल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट एंड सेकंड कॉलेज है जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट। थर्ड कॉलेज है आर्ट कॉलेज ऑफ डिजाइन जो की जयपुर राजस्थान में है। फोर्थ कॉलेज है IIT मुंबई। फिफ्थ कॉलेज है एरिना एनिमेशन जो की बेंगलोर में है। सिक्स कॉलेज है पर्ल अकेडमी, ये कॉलेज दिल्ली में है। सेवेंथ कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो की अहमदाबाद में है। एट्थ कॉलेज है IIT गुवाहाटी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह करियर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।